हेलो दोस्तों, नमस्कार। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फ्यूचरिस्टिक क्लास में आप सबका स्वागत करता हूं। और एक बहुत अच्छी खुशखबरी के साथ हम आपके साथ रखना चाहते हैं, जो एमपी वालों के लिए सबसे नई मतलब एक वैकेंसी आई है एमपीपीएससी का, जिसका सबसे ज़्यादा आप लोगों के लिए क्या था, वेटिंग था कब आएगी, उसकी वैकेंसी आ चुकी है और एग्ज़ाम डेट भी आ चुका है। 12 जनवरी को प्री का एग्ज़ाम है, तो बहुत अच्छी खुशखबरी है एमपीपीएससी की तैयारी करने वाले बच्चों के लिए। और फॉर्म कल से डलेगा और जो उसका प्री का एग्ज़ाम है वो आपका 12 जनवरी को होना है 2020, 12 जनवरी 2020, ये आ चुका है पूरा, हम देख ही रहे हैं। टोटल 330 पोस्टें हैं, 330 पोस्ट टोटल हैं, जिसमें से अभी बताया जाएगा किस किस में आई है। SDM की पोस्ट है और गृह पुलिस विभाग, सामान्य पुलिस में टोटल बताया दे रहा हूँ, तो 27 पोस्ट हैं SDM की, सामान्य प्रशासन विभाग में, और 22 पोस्ट है DSP की, वित्त विभाग में आपकी कनिष्ठ वेतनमान इसकी है 24 पोस्ट, कनिष्ठ वेतनमान कोषालय अधिकारी की, सहायक संचालक स्थानीय निधि में 6 पोस्ट हैं और सहायक संचालक जनसंपर्क अधिकारी की 11 पोस्टें हैं, सहायक संचालक खाद्य जिला सिविल आपूर्ति अधिकारी में 2 पोस्टें हैं टोटल, सहायक संचालक में 60 पोस्टें हैं, सहायक संचालक संवर्ग में टोटल 19 पोस्टें हैं और राजस्व विभाग में नायब तहसीलदार की 71 पोस्टें हैं, 71 पोस्ट हैं, मध्य प्रदेश अधीनस्थ सेवा में 88, टोटल 330 पोस्टें आई है ना। तो आप लोग के लिए बहुत अच्छी खुशखबरी है, बहुत लोगों को बहुत दिन से इसका वेटिंग था कि कब आएगा, जीरो ईयर घोषित हो जाएगा क्या। तो अभी कुछ दिन पहले अभी पता होगा कि आपका कृषि विभाग में MPPSC से 37 पोस्टें आई थी, उसके बाद MPPSC ने सिविल सेवा परीक्षा की है, जो 330 पोस्टें मतलब वो किया है, तो बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है आप लोगों के लिए। हाँ, तो अगर ज़्यादा जानकारी लेना है और डिटेल में, तो आप MPPSC के वेबसाइट पे जाइए और तुरंत डाउनलोड करिए है ना नोटिफिकेशन और लग जाइए। जिस मतलब जो इसके लिए स्पेशली तैयारी कर रहा था उसके लिए बहुत अच्छी खुशखबरी है और लग जाइए इसके बारे में तैयारी में। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक है ना। 12 जनवरी एग्जाम डेट है तो बहुत दिन नहीं है, लगभग 2 मंथ है आपके पास है ना, तो लग जाए प्लीज़। थैंक यू, प्लीज़ सपोर्ट, share and subscribe।